दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने बताया कि हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस समय जिस तरह से परमाणु बम से अमेरिका ने हमला किया था जापान का शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जो प्रतिष्ठान और औद्योगिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण था, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, दुनिया इस तरह की घटना को न देखे, इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में याद किया जाता है और इस दिन को मना करके युद्ध विरोधी परमाणु हथियारों का विरोध करके शांति का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए दिवस को मनाया जाता है, जिससे सभी लोग अवगत हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, ने सबसे पहले लगे और जिसकी मूर्ति हुई उसे कब्जा करना चाह रहा था तेल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जो अमेरिका को नागवार जा रहा और 41 में जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में देखिए क्यों गिराया। 41 में जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक करने किया और उसी का बदला लेने के लिए इस न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग हुआ। अमेरिका के बारे में आप भी जानते हैं, अभी रिसेंटली देखा लोगों ने अफगानिस्तान के पर्ल हार्बर की बदला लेने के लिए 6 अगस्त को उसने हिरोशिमा पे बम गिराया। टिबेट नामक प्लेन पे लिटिल बॉय नाम था उसका। हिरोशिमा पे गिराने का कारण क्या था, क्या क्या रीजन था कि हिरोशिमा पे और नागासाकी पे बम गिराया गया? तो है एक औद्योगिक नगरी थी और सैनिक प्रतिष्ठान, सैनिक इक्विपमेंट्स बनते थे वहाँ, इसलिए उसने गिराया। फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तब उसने 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी नाम का स्थान पर ही बम गिराया। हालांकि होती तो विखंडन के जरिए दोनों हथियार ये गिराए गए। दूसरा वाला बम जो है हैटमैन है, हालांकि बाद में इसमें ये गोष्ठी हिरोशिमा दिवस के अवसर पे है और जिस तरह से हिरोशिमा पर परमाणु बम से अमेरिका ने हमला किया था और जापान का ये शहर जो औद्योगिक दृष्टि से और रक्षा प्रतिष्ठान की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, तो दुनिया इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न देखे, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस के रूप में इसे याद किया जाता है और ये मना करके पूरी दुनिया और मानवता को जो है शांति का, युद्ध विरोधी परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के विरोधी और शांति का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पे महाविद्यालय में एक विचार गोष्ठी आयोजित है कि विषय विशेषज्ञों के विचारों से हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित हों और आज प्रोफेसर श्याम सिंह जी पवित्रा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, वो रक्षा अध्ययन विषय के विशेषज्ञ भी हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए हैं।